तो अगला क्लास 10th में हो, 10th के बाद आपने चाहा है कि आपने कॉमर्स लेनी है, या फिर आप सोच रहे हो क्या मैं कॉमर्स लूं या ना लूं, और अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, बट आपको नहीं पता है कि मैं 12th के बाद क्या करना है, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लेके मैं क्या करना चाहता कि अपनी लाइफ में करे क्या चूज करना है मैंने अपना, तो ये वीडियो अगेन आपके पास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना यार, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लेके जाओ, हाफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑफ एनी वर्थ। पूरी वीडियो देखना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो भाई साइंस नहीं लेनी मत लेना, कॉमर्स ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, सोच समझ के लेना, पढ़िया कॉमर्स में बहुत सारे कोर्स हैं आपके। कोई आपको मना करता है कि कॉमर्स नहीं लेनी, साइंस लेनी है, तो एक बार उसे वीडियो दिखा देना है, सब समझ में आ जाएगा कि कॉमर्स भी हल्की नहीं है, कॉमर्स को हल्की में मतलब साइंस से अच्छी है कॉमर्स, अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट है उसके अंदर तो। हेलो एंड व्हाट्सअप, माय नेम इज विनय एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है वीडियो देखने के बाद तो क्या करना है आपको, हमेशा कमेंट कर सकते हो आप मुझे, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कहाँ पे आपको लिंक मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या फिर आपको यहाँ पे नाम हैंडल मिल रहे होंगे मेरे अकाउंट्स का, वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। कॉमर्स की तरह मैंने आपकी साइंस की भी वीडियो बना के रखी हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, अगर आपको चेकआउट करना है तो आपका लिंक मिल रहा होगा यहाँ पर आई बटन पे, सो गो चेक इट आउट देयर। टिल देन हम बढ़ते हैं अपनी कॉमर्स की वीडियो पर। बट अगर आपको डाउट आ रहा है यार कि मुझे कॉमर्स से ये, साइंस से ये, आर्ट से ये, मुझे बहुत जनरल ओपिनियन चाहिए अपना, तो एक और वीडियो बना के रखी हुई है मैंने, आपका लिंक अगेन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टिल देन हम क्या करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू थिंक कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है इस वीडियो के थ्रू। सो हम वीडियो में बनते हैं, रोल द इंट्रो। पहले क्या करते हैं, हम पहले डिवाइड करते हैं अपने कॉमर्स स्ट्रीम को टू पार्ट में, किसमें, विद मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स। ठीक है, क्या सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में, पहले ये जान लेते हैं हम। कॉमर्स मतलब के अकाउंटेंसी, आपके कॉमर्स का मेन क्रस्ट होती है अकाउंटेंसी, मेन पार्ट होता है कॉमर्स का मेन पार्ट अकाउंटेंसी। लंबी लंबी शीटें भरनी होती है आपको और अच्छा खासा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको बैंकिंग सेक्टर से इसके बारे में। ओहो कॉमर्स वाले बंदे हो, बाबा भाई अकाउंटेंसी पढ़ोगे पूरे साल। सेम गोल फॉर योर बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी और आपका इकोनॉमिक्स, आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, जहां की आपका अकाउंटेंसी में आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे बैलेंस शीट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में आपकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स होता है, बाकी आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलती है आपको। ठीक है, साथ में मैथ्स होती है। अगर आपको विदाउट मैथ्स चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, तो आपको यहाँ पे मिलेगी यार आईटी, बाद में अगला क्या टॉपिक होता है आपके पास, टैली। बाकी यार ये टैली वाला पार्ट आपका और ये आईटी वाला पार्ट आपका वेरी कर सकता है एज फार एज आपका स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं आपके पास, ऑप्शंस देता है आपका स्कूल, हर स्कूल पर वो डिपेंड करता है अलग से। अब हमने क्या किया, हमने जान लिया आपके सब्जेक्ट्स के, आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। अब हम जानते हैं क्या क्या आपके पास कोर्सेज होते हैं। पहला कोर्स कौन सा होता है हमारा, पहला कोर्स होता है हमारा बीकॉम। बीकॉम यानी सिंपल सा नेम है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बीकॉम यानी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। बीकॉम ऑनर्स होती है आपकी नॉर्मल विद बैच वाली। बाकी हम क्या करते हैं इसके अंदर, आपके पास और सब डिग्रीज भी होती है आपकी यहाँ पे, बीकॉम इन अकाउंटेंसी, बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, फिर बीकॉम इन इकोनॉमिक्स। बीकॉम कर लिया, अपनी बीकॉम कितने साल की होती है आपकी, बीकॉम होती है आपकी 3 साल की डिग्री, बीकॉम आपकी 3 साल की डिग्री होती है। बाद में अगर आपको और पढ़ना है और मन कर आपका पढ़ने का, तो आप एमकॉम कर सकते हो, एमकॉम इन द सेंस ऑफ मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। हम जानते हैं बीबीए में क्या होता है, बीबीए क्या होता है, बीबीए इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप बेसिकली बिजनेस के बारे में जानते हो, बिजनेस सेटअप के बारे में जानते हो। ठीक है, आपकी 3 साल की बैचलर्स डिग्री होती है, बाद में आपको और पढ़ना है तो आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए क्या होती है आपकी, एमबीए होती है आपकी बैच सॉरी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपको लॉ करनी है तो आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री होती है, कौन सी आपकी 5 साल की होती है, ये बीबीए प्लस एलएलबी, इसे हम बेसिकली आपका लॉ कहते हैं, बीबीए प्लस एलएलबी। आप ये भी चूज कर सकते हो अगर आपको लॉ सेक्टर में जाना है आफ्टर यू आर परस्यूइंग योर कॉमर्स सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी हम जानते हैं आपका, बाकी हम जानते हैं आपका यार सीए, सीए सीए बहुत कॉमन टर्म है आपकी, और ये क्या आपने लिखा है आपके 3 साल, ये यहाँ पे 3 साल, 2 साल, 5 साल। ठीक है, बट सीए का क्या है, सीए का क्या होता है, सीए की कोई डिग्री नहीं होती है, सीए की डिग्री होती है बट सीए की कोई आपकी पर्टिकुलर आपके टाइम पीरियड नहीं होता है, ये 4 साल की हुई, 5 साल की हुई, 6 साल की हुई, 2 साल की हुई, 3 साल की हुई, ऐसे कुछ नहीं होता आपका। यहाँ पे आपको सीए में ना आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपका, आपको पेपर क्लियर करना होता है और आपको एक्सपीरियंस लेना होता है, तो आपको सीए का कोर्स कर सकते हो। सीए ऐसा कोर्स है अगर इसे मैं डिग्री ना लूँ तो। ठीक है, डिग्री होगी आपकी बीकॉम, बीकॉम आप यार आप कॉलेज जाओ साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप बीकॉम, बीकॉम, बीकॉम कर सकते हो अपने कॉलेज में, बाकी बाद में आप साथ साथ सीए परस्यू कर सकते हो एज अ एडिशनल सब्जेक्ट।
ठीक है, यानी कि हफ्ते में 2 दिन आप बीकॉम के कॉलेज जाओ, बाकी आप 5 दिन के आकर बीकॉम बीकॉम के साथ अपना सीए की पढ़ाई करो। ये होता है आपकी बीकॉम प्लस सीए का तरीका। सीए ऐसे ही होती है बीकॉम प्लस सीए के रूप में, ठीक है, समझ में आती है हमें बात को। अब हम जानते हैं आपका बीबीएस। बीबीएस क्या होता है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। बीबीए का था एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या स्टडीज, बिजनेस स्टडीज। हम बेसिकली स्टडी करते हैं इसके बारे में, ठीक है। बाकी आप डिप्लोमा ले सकते हो आप 2 साल का, अलग अलग कोर्सेज में आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेरी बात खत्म होती है आपके विद मैथ्स वाले की, विद मैथ्स। अब हम जानते हैं आपको विदाउट मैथ्स। अब यार ये मत सोचना कि यार विदाउट मैथ्स जिनके वही कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं थी 12th में 11th में। अगर आपके पास मैथ्स थी 11th 12th में बट आपको मैथ्स में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आया, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैथ्स में क्या करे, मुझे नहीं जानी है मैथ्स को, ठीक है ना, तो आप विदाउट मैथ्स वाले लिया कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब कोर्सेज तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत सारे हैं, मतलब विदाउट मैथ्स वाले यार आपके पास विद मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं आपका बीकॉम के बारे में। बीकॉम क्या होती है? बीकॉम बताया मैंने आपको यहाँ पे, बीकॉम जनरल भी होती है, बीकॉम ऑफ मार्केटिंग भी होती है, बीकॉम ऑफ मार्केटिंग, बीकॉम ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, बीकॉम ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप 3 कर सकते हो प्लस जनरल। बीकॉम जनरल भी होती है आपकी, जैसे यहाँ पे आपकी थी बीकॉम ऑनर्स, वैसे यहाँ पे आपकी बीकॉम जनरल, ठीक है, विदाउट मैथ्स में। बाकी हम जानते हैं ये 3 डिग्रीज होगी आपके पास बीकॉम की। बाकी बीडीएस, बीडीएस क्या होता है? बीडीएस क्या होता है आपका? बैचलर्स ऑफ डिजाइन। बाकी बैचलर्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन कर सकते हो आप बीडीएस डिजाइन। बीडीएस ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन क्या होती है यार? जो आप मूवीज देखते हो ना, आप अपनी जो एनिमेशन देखते हो, एनिमेशन मूवीज देखते हो, एनिमेशन कार्टून देखते हो, जो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मूवी देखते हो, फिल्म मेकिंग देखते हो, वो आती है आपकी यार बीडीएस इन एनिमेशन में। साथ साथ क्या आता है आपके पास? सेम कोर्स आता है एनिमेशन टाइप का, मतलब यहाँ पे सिखाते नहीं एनिमेशन बट रिलेटेड टू फील्ड ऑफ मूवीज मास मीडिया, जो कि आपका बीएमएम, बीएमएम यानी बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया। सेम गोज फॉर योर बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म, बीजेएमसी, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। बीजेएमसी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होगा यार, नहीं लिखा है मैंने बीजेएमसी, तो यहाँ पे बीजे लिखा है मैंने, बीजे और बीजेएमसी ऑलमोस्ट सेम होती है। बाकी आपका बीएचएम, बीएचएम क्या होता है? बीएचएम होता है आपका बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपको शेफ बनना है, आपको होटल के बारे में जानना है क्या क्या उसे हैंडल करते हैं, तो आप ये कर सकते हो बीएचएम। बेसिकली डील्स विद हाउ टू बी अ शेफ एंड हाउ टू मैनेज द होटल सर्विसेज, ये हम जानते हैं आपका बीएचएम में। बाकी हम क्या जानते हैं आपका बीए प्लस एलएलबी। बीए क्या होता है? बीए यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। अब आप कहोगे भैया बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है, हमने कॉमर्स लिए, नहीं, यहाँ पे क्या होता है आपका बीए में बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स होती है, कोई भी ले सकता है, बीए इन आर्ट्स कर सकते हो आप। आर्ट्स यानी विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, फिगर्स, ये होता है बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स। आप सर्च कर सकते हो आप नेट पे, अच्छे से मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन। यानी कि यार आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज वाला, ये आर्ट्स और ये ह्यूमैनिटीज आपका डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। आर्ट्स यानी विजुअल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज यानी कि जो आप आर्ट्स होती है आपकी एक्चुअल स्कूल में, ठीक है, 11th 12th आप आर्ट्स लेते हो ना, वैसे वाली है आपकी ह्यूमैनिटीज वाली आर्ट्स। बाकी क्या है? हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो आप, अगेन बीए इन एनिमेशन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको, यहाँ पे आप ये कर सकते हो। बीएससी इन डिजाइन, ये आपके बेसिकली बीए वाले ना आपके 3 साल के कोर्स होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे ऑलमोस्ट 3 साल के ही कोर्स हैं आपके, ठीक है। बाकी आपका बीएससी इन डिजाइन, बीएससी क्या होता है? बैचलर्स ऑफ साइंस। अब साइंस है ये, अब कॉमर्स वाले कैसे कर सकते हैं साइंस को? नहीं भाई, ये साइंस का कुछ नाम है बस, बैचलर्स ऑफ साइंस इन डिजाइन। यहाँ पे आपको साइंस पढ़नी नहीं होती आपको, बेसिकली आपको स्ट्रक्चरल चीजें जाननी पड़ती है, आपको डिजाइनिंग कैसे करते हैं किसी भी चीज की, कैसे आपको मॉडल्स बनाते हैं यार, वैसे होता है आपका बीएससी इन डिजाइन, ठीक है यार, समझ में आती है हमें बात। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे कोर्स हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया आपको मार्केटिंग के बारे में, ट्रैवल के बारे में, ट्रैवल टूरिज्म मैंने आपको छोड़ दिया, बीकॉम इन मार्केटिंग, बीकॉम इन ट्रैवल टूरिज्म, ट्रैवल टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी आपका बीएड, बीएड टीचर्स के लिए होती है डिग्री, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, बीएफडी फैशन डिजाइन। अगर आपका इंटरेस्ट है यार फैशन डिजाइनिंग में, अगर आपको जाना है फैशन डिजाइनिंग कैसे होती है, कैसे हम डिजाइन करते हैं प्रॉपर क्लोथ्स को, क्लोथ्स को कट आउट, क्लोथ्स कैसे बन, मतलब क्लोथ्स के क्या फीचर्स होते हैं, कॉटन के क्या फीचर्स होते हैं, आपके लेदर के क्या फीचर्स होते हैं, लेदर में कैसे बनते हैं कपड़े, क्या क्या क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने कपड़ों की, तो वो हम जानते हैं आपका बीएफडी में, यानी बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग। बाकी आपका सीएमए, सीएमए क्या होता है? सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बेसिकली आपका अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है आपका। यहाँ पे सीए था एक बहुत ज्यादा काइंड ऑफ, मैं कह लूँ आपका टफ डिग्री कह लूँ, बट ऑन द सेफर लेवल,
अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चाहिए हो तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए CMA कर सकते हो अकाउंटेंसी के लिए। अगर आपको नॉर्मल अकाउंटेंसी करनी है, जानना है उसके बारे में कुछ अच्छे से, अपनी डिग्री हासिल करनी है उसमें, तो आप CMA कर सकते हो। बाकी आपके पास क्या है, आपका इवेंट मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, साइंस वाला, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, कोई भी कर सकता है आपका साइंस वाला या फिर आपका इवेंट मैनेजमेंट। सो आप, मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे कोर्स कवर करे हैं। अगर आपको यार अच्छी लगी है वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और क्या मैं आपकी वीडियोस बनाता रहूंगा ऐसे ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू टेक्स्ट मी ऑन सोशल मीडिया, कोई डाउट है आपको कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना यार। टिल देन मैं ऐसी वीडियोस आता रहूंगा आपके लिए। जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड बाय बाय।